जी हाँ दोस्तों, आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज दोस्तों क्या खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए, कि आज हमारे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले, जितने भी 52 ज़िले हैं, सभी 52 ज़िले रेड जोन से बाहर हो चुके हैं। यानी कि अब हमारे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले रेड जोन से बाहर हो गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, अभी अभी एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारे अब मध्य प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। 3 जून को ही रात को 8 बजे के टाइम पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, वहाँ से अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि हमारा मध्य प्रदेश अब खतरे से बाहर आ चुका है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड संक्रमण की दृष्टि से अब प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। किसी भी जिले की पॉजिटिविटी 5% से अधिक नहीं है। आपको पता होगा कि जिस जिले की पॉजिटिविटी 5% से अधिक होती है वो रेड जोन में आता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों की जो पॉजिटिविटी है 5% से नीचे आ चुकी है। यानी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बाहर निकल रहा है। शीघ्र प्रदेश को पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा मध्य प्रदेश जल्दी ही कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। और दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी अधिकारी अपने अपने जिलों में अनलॉक प्रक्रिया पर पूरी नज़र रखें तथा कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट आपको देने वाला हूँ। 3 जून को शाम को 6 रात को 6-7 बजे तक की पूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आखिर क्या क्या बड़े फैसले किए हैं और क्या क्या हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई। और दोस्तों एक सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी बता देता हूँ कि अब मध्य प्रदेश के, जी हाँ दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के 30 जिलों में 1% से कम पॉजिटिविटी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि अब मध्य प्रदेश के सभी जिले रेड जोन से बाहर हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहाँ पर 1% से कम पॉजिटिविटी है, यानी कि 0 से 1% के बीच में पॉजिटिविटी रेट चल रही है। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी 1% से कम है तथा 22 जिलों की जो पॉजिटिविटी है 1 से 5% के बीच में चल रही है। और 5% से ऊपर वाले कोई भी जिले नहीं है, क्योंकि अब सभी जिलों की जो पॉजिटिविटी है 5% से नीचे आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि सभी जिलों की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी 5% से कम है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 30 जिले कैसे हैं 1% से कम, और 22 जिले कैसे हैं 1 से 5% के बीच में हमारे लिए, हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की पॉजिटिविटी है। और दोस्तों सभी जिलों की पॉजिटिविटी हमें 0 से 1 के बीच में ही लानी है, जिससे क्या है 15 जून से हमारा मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से अनलॉक हो सके। अभी आंशिक अनलॉक है, अब दोस्तों 15 जून के बाद पूर्ण रूप से इसे अनलॉक कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप एक खुशखबरी और देख लीजिए, अब मध्य प्रदेश के 3 जिलों में कोई भी आज कोरोना का केस नहीं मिला है। 3 जून को शाम को 6 बजे तक की जो अपडेट है, वहाँ पर 3 जिलों में कोई भी कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। प्रदेश के 3 जिले अलीराजपुर, झाबुआ तथा कटनी, 3 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर कोई भी केस नहीं है। और वहीं 204 जिलों भिंड, मंडला, सिंगरौली तथा टीकमगढ़ में खाली 1-1 केस आया है। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि 3 जिलों में तो कोई भी यानी कि 0 केस आए हैं। और वहीं 4 ऐसे जिले हैं जहां पर भिंड, मंडला, सिंगरौली, टीकमगढ़ काली 1 केस ही आया है। जी हाँ दोस्तों, 1-1 ऐसे केस आए हैं। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में हो चुका है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। अब मध्य प्रदेश के सभी जिले हैं रेड जोन से बाहर हो चुके हैं, यानी कि 5% से जब ज़्यादा होती है पॉजिटिविटी तो वो रेड जोन में माने जाते हैं। अब सभी जिले रेड जोन से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें पूरे प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है तो हमें कोविड के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।